वेल, वांडा विजन का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है एंड इट्स ऑसम। इस एपिसोड में अपन लोग को और नई नई चीजें पता चली कि आखिर सीरीज में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। वैसे अब सिर्फ 4 एपिसोड ही बचे हैं, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 एपिसोड हैं इसलिए। और मेरे हिसाब से लास्ट के 2-3 एपिसोड में सिर्फ फाइट होने वाली है वांडा एंड सॉर्ड के बीच। बट सभी मार्वल फैंस को पता है मार्वल इस सीरीज में कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा, सो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जैसे एपिसोड 5 के लास्ट में हुआ जिस पे अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाला हूँ, अपन एक एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे और मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और थ्योरीज भी बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगी। एंड आई होप कि आप लोगों ने एपिसोड 5 देख लिया होगा क्योंकि पेल के स्पॉइलर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो सबसे पहले ये बात तो पता ही है कि एपिसोड 5 80s की स्टाइल में है, क्योंकि वांडा की वेस्ट व्यू के अंदर की टाइमलाइन ऐसे ही चल रही है, पहले 60s, देन 70s एंड नाउ 80s, और आगे एपिसोड्स में 90s एंड 20s भी आएंगे। खैर, इस एपिसोड के स्टार्ट से ही क्रीपीनेस स्टार्ट हो जाती है जब घर में एंट्री होती है एग्नेस की, AKA अगाथा हार्कनेस की। और यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो जाती है कि हम सबको अभी तक बताया गया है कि वांडा वेस्ट व्यू के अंदर सबको कंट्रोल करती है, जैसा लास्ट एपिसोड में मोनिका ने अपने मुंह से बोला था दैट इट्स ऑल वांडा। बट पिछले कुछ एपिसोड्स में भी दिखाया था और एपिसोड 5 में भी दिखाया गया है कि एग्नेस स्क्रिप्ट छोड़ के बिल्कुल अलग चीजें बोलती है। एपिसोड 3 में ये विजन को मोनिका की रियलिटी बता रही होती है, और इस एपिसोड में भी जब विजन स्क्रिप्ट से हट के चला जाता है तो एग्नेस वांडा से साफ बोलती है कि क्या मुझे डायलॉग्स स्टार्ट से चालू करने पड़ेंगे। इसका मतलब ऑब्वियसली एग्नेस के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। और एक सेकंड के लिए वांडा भी कंफ्यूज थी, तो यहाँ कंफर्म हो रहा है कि एग्नेस एक्चुअली में अगाथा हार्कनेस है। और 4th एपिसोड में भी दिखाते हैं कि स्वॉर्ड वालों को वेस्ट व्यू में रह रहे बाकी सारे कैरेक्टर्स की सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बजाय एग्नेस के। सो समथिंग इज सस्पिशियस हियर। और अगर आपको अगाथा हार्कनेस के बारे में नहीं पता तो छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। अगाथा कॉमिक्स में विच होती है और ये वांडा की मेंटोर होती है, इसी ने वांडा को जादू टोना सिखाया होता है। और सबसे जरूरी बात, अगाथा के कनेक्शन होते हैं मेफिएस्टो से, क्योंकि एक विच होती है, वो भी जानी मानी विच होती है, नॉर्मल विच नहीं होती। और मेफिएस्टो होता है एक डेविल, सो उसी की पावर्स का यूज करती है अगाथा, और आगे जाके इसी की सोल से वांडा के ट्विन बच्चे होंगे। अभी वाले तो शायद वांडा की पावर से बने हैं, तो इसीलिए शायद इस सीरीज में आगे मेफिएस्टो का कोई रोल हो सकता है। खैर, एग्नेस यहाँ एक और चीज बोलती है वांडा से, दैट शी गॉट सम ट्रिक्स अप हर स्लीव्स। सो ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये रियल में विच है सो कुछ ट्रिक्स जरूर होंगे इसके पास। नाउ अब बात करते हैं वांडा के ट्विंस बच्चों की, बिली और टॉमी की। इस एपिसोड में ये दोनों बच्चे बड़े होके 5 ईयर्स के हो जाते हैं, और अगेन अपने मन से ये फिर 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के हो जाते हैं। सो ये क्या सीन है? क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये कैसे कर रहे हैं दोनों। सो ये तो कंफर्म है कि ये रियल में वांडा और विजन के बच्चे नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। विजन चाचा की तो थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में ही बजा दी थी। सो ये बच्चे या तो वांडा के आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन होंगे, इसी वजह से ये अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं यहाँ पे वो सब रियल ह्यूमंस होते हैं, उनको वांडा अपनी पावर्स का यूज करके कंट्रोल कर पा रही होती है। और ये बात नेक्स्ट सीन में प्रूफ हो जाती है जब मोनिका पर टेस्ट हो रहे होते हैं। सो ये बोलती है कि इसको कुछ याद नहीं, बस इसके दिमाग में वांडा की ही वॉइस आ रही थी, वो इसे कंट्रोल कर रही थी। और सेम आगे एक और सीन दिखाते हैं जब विजन अपनी पावर्स का यूज करके अपने ऑफिस के एक कलीग के माइंड को फ्री करता है, तो वो भी यही बोल रहा होता है, शी इज इन माई हेड, मेक हर स्टॉप। सो हेंस प्रूफ की वांडा ही ये सब कर रही है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने नोटिस किया हो, कि आखिर विजन अपनी माइंड स्टोन वाली पावर्स का यूज कैसे कर रहा होता है, जबकि वो स्टोन तो इसके पास होता भी नहीं। एपिसोड 3 में दिखाते भी हैं कि ये सिर्फ एक जिंदा लाश होता है। सो इसके पीछे भी शायद वांडा का ही हाथ होगा, उसने इसको अपनी पावर्स किराए पे दे दी होंगी ताकि इसको कोई शक ना हो, और या फिर आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। और इस एपिसोड में ये भी क्लियर कर दिया गया जो हम व्यूवर्स के मन में क्वेश्चन था कि विजन यहाँ पर जिंदा कैसे है। सो अब कंफर्म हो जाता है कि ये एक्चुअली में जिंदा ही नहीं है। एक सीन में दिखाते हैं कि वांडा रिसेंट में ही 9 दिन पहले स्वॉर्ड फैसिलिटी के अंदर घुस के विजन की बॉडी को चुरा के ले जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके विजन को वापस जिंदा कर देती है। मतलब ये सच है, इन्फिनिटी वॉर में ही विजन पूरी तरह मर गया था। और अगर आपने वांडा विजन की लीक्ड वीडियो देखी होगी तो उसमें भी, छोड़ो लीक्ड वीडियो की बात नहीं करते, मजा खराब हो जाएगा। अब अपन फिर से मोनिका पे आते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने शायद एक चीज मिस कर दी होगी कि जब मोनिका के ब्लड सैंपल के और इसके स्कैंस के टेस्ट रिजल्ट आते हैं तो वो एक्चुअली में ब्लैंक होते हैं, और नर्स को लगता है कि ये मशीन की खराबी है। हो भी सकती है, बट अगर आपको नहीं पता मोनिका रैम्बो के बारे में कि ये कॉमिक्स में कौन है, सो ये भी एक सुपर हीरो होती है, इसके पास खुद की सुपर पावर्स होती हैं। इवन इसने कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल का कोड नेम भी यूज किया है, बट बाकी टाइम ये कॉमिक्स में फोटोन नाम से फेमस है।
सो ये ब्लड सैंपल्स और स्कैन टेस्ट इस बात का प्रूफ हो सकते हैं कि यहाँ से इसकी स्ट्रेंज पावर्स आना स्टार्ट हो रही हैं। ये फर्स्ट क्लू हो सकता है इसके ओरिजिन्स का MCU में। सो मोनिका पे कड़ी नजर रखना यहाँ से। नाउ अब आते हैं उस सीन में जब स्वॉर्ड के डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वांडा की पास्ट के बारे में बात करता है। सो ये यहाँ एजेंट वू से पूछता है क्या वांडा मैक्सिमोफ का कोई फनी निकनेम है, जिसका आंसर वू देता है नो नॉट अ वन। सो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फैन को ये नहीं पता होगा कि वांडा मैक्सिमोफ को स्कारलेट विच नाम से जाना जाता है। सब जानते हैं लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक स्कारलेट विच नेम का जिक्र तक नहीं किया गया है, मतलब अभी तक वांडा MCU की नज़र से स्कारलेट विच नहीं बनी है। कॉमिक्स में तो वांडा स्कारलेट विच नाम से ही फेमस है, लेकिन इस एपिसोड में ये मीटिंग प्रूव कर देती है कि स्कारलेट विच नेम की कोई शख्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ये बात भी कन्फर्म है कि इस सीरीज में वांडा को अपनी न्यू पहचान मिल जाएगी स्कारलेट विच नेम से, क्योंकि सीरीज रिलीज से पहले जब डायरेक्टर्स और एलिजाबेथ ओल्सन के इंटरव्यू हुए थे तो उन्होंने यही बोला था कि इस शो में हम जानेंगे कि वांडा स्कारलेट विच कैसे बनी। और इस एपिसोड के एक सीन में ये भी कंफर्म कर देते हैं कि वांडा रियलिटी को चेंज कर सकती है परमानेंटली। जब मोनिका अपनी ड्रेस को टेस्ट करती है जो वेस्टव्यू के अंदर पहन के गई थी, तो वो ड्रेस पूरी तरह बुलेट प्रूफ होती है, जो एक्चुअली हेक्स के अंदर जाने से पहले ऐसी नहीं थी। मतलब वांडा की यहाँ न्यू क्रीपी पावर्स निकल के आती हैं दैट शी कैन रीराइट द रियलिटी, वो रियलिटी को चेंज कर सकती है, ऐसे ही बनेगी स्कारलेट विच। खैर इस एपिसोड में भी एज यूजुअल हमें एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं एक लागोस नेम की प्रोडक्ट की। सो इस एड का क्या मतलब है? सो ये एड एक्चुअली डायरेक्ट रेफरेंस है सिविल वॉर के स्टार्टिंग सीन का, जिसमें वांडा बाय मिस्टेक पूरी बिल्डिंग उड़ा देती है। सो ये जगह का नेम होता है लागोस, और इस एडवर्टाइजमेंट की टैगलाइन होती है फॉर व्हेन यू मेक अ मेस बट यू डिडंट मीन टू। सो इससे आप डायरेक्ट समझ सकते हो वांडा ने लागोस में वो धमाका कर दिया था बट वो उससे गलती से हो गया था, वो करना नहीं चाहती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेक्स। सो इस एपिसोड में डार्सी अपन लोग को एक न्यू नेम से इंट्रोड्यूस करती है हेक्स। सो ये बेसिकली इसने शॉर्ट नेम दिया होता है वेस्ट व्यू का जो बबल होता है उसको, एनोमली को, क्योंकि वो हेक्सागोनल शेप में होती है इसलिए। बट यहाँ इस नेम का कॉमिक्स से एक और रिफरेंस है। कॉमिक्स में वांडा की जो मैजिकल पावर्स होती हैं उसको लिटरली बोला गया है हेक्सेस। जो मैजिकल पावर्स इसने सीखी होती हैं और जो इसकी मेंटोर ने इसको सिखाई होती हैं उसको बोला गया है हेक्सेस। सो सीरीज में ये हेक्स नेम एक डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक्स से। एंड अब इस एपिसोड के उस डोप सीन की बात करें जब स्वॉर्ड के लोग एक ड्रोन वेस्टव्यू के अंदर ले जाते हैं और ये स्टार्क इंडस्ट्रीज का ड्रोन होता है। सो ऑब्वियसली वांडा के दिमाग खराब होना था और वांडा हेक्स से बाहर निकल के आती है फर्स्ट टाइम। एंड भाई साहब जहर सीन था ये। और यहाँ आपने नोटिस किया होगा तो वांडा ये उसी आउटफिट में होती है जैसी इसने एंड गेम में पहनी थी, मतलब ओल्ड वांडा इज राइट हेयर। ये कहीं गई नहीं है, अभी भी ये स्वॉर्ड की लंका लगा सकती है, बट फिलहाल ये सिर्फ ट्रेलर देके जाती है कि तुम इसे परेशान मत करो, ये तुम्हें नहीं करेगी। लेकिन इसने लोगों को उनकी बिना मर्जी के हॉस्टेज बना के रखा होता है, बस यही इसकी गलती होती है। नाउ अब आते हैं स्पार्की पे। हाँ वही डॉग। सो ये डॉग सीरीज में तो नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अगर कॉमिक रेफरेंस की बात करें तो कॉमिक्स में स्पार्की नेम से एक डॉग है जो कि विजन फैमिली का मेंबर होता है, जिसको विजन ने एक्चुअली बनाया होता है। और कॉमिक्स में तो ये ग्रीन कलर का होता है और उसके पास कुछ पावर्स भी होती हैं, मतलब स्पार्की डॉग का ये ऑफिशियल डेब्यू होता है MCU में, बट ये ज्यादा देर जिंदा रह नहीं पाता। इसको एग्नेस के हैंड में दिखाते हैं कि ये मर चुका है बाय एक्सीडेंट, और मैं ऑलरेडी एग्नेस के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ, सो ये आगे पता चलेगा कि आखिर एग्नेस ने एक्चुअली यहाँ क्या किया था। बट यहाँ वांडा के बच्चे इससे बोलते हैं कि स्पार्की को वापस जिंदा कर दो, इसके बदले में वांडा का कहना था कि मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। व्हाट, बोलने से पहले विजन का तो सोच लेती एक बार। खैर अब आते हैं एपिसोड की एंडिंग में। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है, जब वांडा और विजन बहस कर रहे होते हैं तो वांडा का यहाँ साफ कहना होता है कि ये यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रही। सो ऐसा हो सकता है कि ये झूठ बोल रही है, और या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्चुअली में ये सच बोल रही है, कोई और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मे बी मेफिस्टो या कोई और। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस छुपा हुआ है सीरीज में जो सीरीज फिनाले में ही पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है। बट वांडा के घर की डोरबेल कोई बजाता है और इसके ऊपर भी विजन से वांडा का कहना होता है कि इसको नहीं पता कौन है, ये कंट्रोल नहीं कर रही सब कुछ। और डोर ओपन करने में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, ये होता है क्विक सिल्वर पिएत्रो, वांडा का ट्विन ब्रदर। बट सीरीज की एक कास्ट खुद बोलती है कि वांडा ने अपने भाई को रिकास्ट कर दिया। जी हाँ, आप सबको एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला पिएत्रो याद होगा। सो वो पिएत्रो और ये पिएत्रो दोनों अलग हैं। सो ये वांडा के सामने वाला पिएत्रो कौन है? सो एक्चुअली में ये क्विक सिल्वर तो है, लेकिन एक पूरी डिफरेंट फ्रेंचाइज का, ये बिलोंग करता है एक्समेंस के यूनिवर्स से, ये उस यूनिवर्स का क्विक सिल्वर है, वहाँ इसका नेम होता है पीटर मैक्सिमोफ। लेकिन फिर ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या कर रहा है? सो लास्ट ईयर ही डिज्नी ने फॉक्स स्टार स्टूडियो के सारे राइट्स खरीद लिए थे, इस वजह से अब डिज्नी दोनों यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ कर सकती है। लेकिन अब इस एक्समैन के क्विक सिल्वर का MCU में होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि यहाँ किसी ने खोल दिए दरवाजे मल्टीवर्स के,
किसने खोले, सो ये वांडा खुद भी हो सकती है, क्योंकि इससे जब इसके बच्चे पियत्रो के बारे में पूछते हैं सो वांडा ये नहीं बोलती कि इसका भाई मर चुका है, ये बोलती है कि वो बहुत दूर है। सो शायद वांडा ने पियत्रो मैक्सिमोफ के बारे में रिसर्च करी और इसको पैरेलल वर्ल्ड में एक पीटर मैक्सिमोफ के बारे में पता चला विद सेम पावर्स एंड एबिलिटीज, सो ये उसको वहां से यहां उठा लाई। और या फिर शायद इसके पीछे एग्नेस का भी हाथ हो सकता है, ये भी सेम कर सकते हैं, और या फिर कुछ और ही डिफरेंट थ्योरी होगी इसके पीछे, मे बी इसके पीछे स्वॉर्ड का हाथ हो। तो सब कुछ अब वांडा विजन के नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा, वेट करो। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।